नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे इस न्यूज चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह दौरे से कांग्रेस के इस गढ़ में स्मृति ईरानी के लिए चुनावी जमीन तैयार कर गए। उन्होंने अमेठी की जनता को गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत पहचान से पीछा छुड़ाने का संदेश दिया। अमेठी की बदहाली व उपेक्षा के बहाने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को घेरने में पीएम मोदी ने कसर नहीं छोड़ी। उन पर बदखिलाफी और झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए स्मृति की सराहना की। इशारों ही इशारों में यह कहते हुए स्मृति के जीतने का भरोसा जताया कि आने वाले समय में अमेठी का इतिहास बदलने जा रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अच्छी टक्कर दी थी। भाजपा की रणनीति राहुल को उन्हीं के गढ़ में घेरने की है। इसके लिए स्मृति 4.5 सालों से अमेठी में न केवल सक्रिय रही है बल्कि लोगों से किसी न किसी माध्यम से जुड़ी रही है। इस बीच प्रदेश की सियासत में दो बड़े बदलाव हुए हैं, सपा बसपा का गठबंधन और प्रियंका की सक्रिय राजनीति में एंट्री। अमेठी सीट पर सपा बसपा ने कांग्रेस का समर्थन किया है। ऐसे में स्मृति ईरानी ने चुनाव से पहले ही अमेठी में मोदी की सभा कराकर माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। इस सभा में मोदी का भाषण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के बजाय स्थानिक मुद्दों पर ही केंद्रित रहा। उन्होंने एयर स्ट्राइक के बाद पैदा हुए माहौल को कांग्रेस व राहुल के खिलाफ मोड़ने की कोशिश की। राइफल फैक्ट्री चलाने में देरी, तोपों व राफेल विमान सौदों को लटकाने के लिए उन्होंने राहुल व कांग्रेस की घेराबंदी की। राफेल सौदे में दलाली पर उसे ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि जिस तरह कांग्रेस सरकारों में देश की सुरक्षा खिलवाड़ होता है, उसी तरह कांग्रेस अमेठी की अपेक्षा करती है। कई स्थानीय उदाहरणों से लोगों को समझाने की कोशिश की कि अब राहुल सोनिया के प्रभाव से मुक्त होने का वक्त आ गया है। इसलिए कहा कि अमेठी की पहचान गांधी नेहरू के बजाय AK-203 राइफल से होगी।